तो जितने भी स्पीकर्स थे माशाल्लाह सब बहुत ही खूबसूरती से सुना रहे थे और ऐसा लग रहा था कि बहुत लगन के साथ याद किया है उन्होंने। तो इसमें सबसे मुबारकबादी तो जोड़िया बहन को, अभी जो जिक्र कर रहे थे तो, और फिर सीमा बहन को, और आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद है कि बहुत ही दिल खुश हुआ आप लोगों का बयान सुनकर। और मेरे को आइडिया नहीं था कि आप लोग इतना अच्छे से काम कर रही होंगी, बल्कि जब उस कमरे में बैठा तो मैंने बोला इस कमरे में तो हम बैठ के हैं, उस कमरे में इनकी अम्मी है, इस कमरे में किचन है, तो आवाम कहाँ है। फिर ये बताया, आबिद बताया कि आपने सीढ़ी चढ़ते हुए देखा नहीं, छत पे लोग थे तो नहीं। मैंने बोला सीधा हाथ पे टर्न कर गए तो उल्टे हाथ में नहीं देखा। तो बहरहाल माशाल्लाह आप लोग निकाब में होती है तो ऐसा लगता है कि फरिश्ता का माहौल है, मेरे को सब देख रहे, मैं किसी को नहीं देख रहा हूँ। तो फरिश्तों का यही हाल होता है। तो एक दफ़ा एक प्रेस का मालिक था शाहिद भाई, तो उसके प्रेस के पास से गुजर रहे थे। एक ज़माने में मेरा काम करता था बहुत, तो उस रोज़ मैं फुर्सत में था तो मैंने बोला चलो ज़रा चाय वाय पीते। उसके पास गए तो बोला मैं आपको अमूमन देखता हूँ यहाँ से गुजरते हुए, लेकिन आप जल्दी में होते तो मैं रोकता नहीं हूँ, तो आज आप आ गए। तो फिर चाय शाय पिलाया तो वो बोला कि वो शीशा जो था वन वे मिरर था, अंदर से बाहर नज़र आता था, बाहर से अंदर नज़र नहीं आता। तो मैंने उसको यही बोला कि आप तो फरिश्ते के जैसे हो, मेरे को देखते, मैं आपको नहीं देखता हूँ। दिल्ली वाल था, बहुत खुश हो गया। चाय तो मंगाया, मैं चाय पी रहा था, उसके होंठों के पास एकदम वो मुंह से थूक निकल रहा था, मुंह में जो पानी आ जाता है ना, बोलते कोई खाना इफ्तार के बाद अगर खुशबू आ रहा हो। तो इतना खुश हो गया, मेरे से रहा नहीं गया, 5, 6, 7, 8 दफ़ा वो बोला क्या मिसाल दिया, क्या मिसाल पेश किया, इतना ज़्यादा मिसाल कर रहा था। तो उन्होंने बोला शाहिद भाई यही हाल तो इबलीस का भी होता है, वो हमको देखता है, हम उसको नहीं देखते। वो इतना गुस्सा हो गया, बोला ये मिसाल आपने दिया क्यों। मैंने सोचा शायद अब ये चाय पीने देगा नहीं, जैसा 7-8 दफा बोल रहा था क्या मिसाल पेश किया, अब बोल रहा था सिर्फ एक डंडे का उसके हाथ में कमी था, मुंह से तो जितना डंडा निकाल रहा था सब निकल रहा था, क्या आपने ये मिसाल दिया कैसे। मैंने बोला शाहिद भाई पहले भी मजाक कर रहा था, अभी भी मजाक कर रहा हूँ, मैं ना आपको फरिश्ता समझा था ना मैं आपको इबलीस समझाऊँ। तो बहरहाल वो आखिरी दफ़ा तो मैं गया, अब पता नहीं कभी जाएंगे, अकेले ना जाए अलग बात है, आबिद को ले जाएंगे, कराटे जानता है वो, मगर उसका बाप भाई सबसे मेरे हम लोग का काफ़ी पुराना कनेक्शन था। तो बहरहाल आपके लिए इबलीस तो उसके लिए सुना दिया था, आप लोगों के इबलीस से नहीं मुकाबला, वो तो मर्द था ना इबलीस, आप लोग औरत हैं, तो आप लोग फरिश्ता तक नहीं दूर हैं। मलाइका का लफ्ज वैसे भी बोनस वाला इस्तेमाल होता है, ताए तानी से उसमें। अच्छा, माजी में सब बाद में बात करें।